अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है चैप्टर नंबर 2 सेल डिवीजन, और हमारा लेक्चर नंबर है 11। सेल डिवीजन से पहले हमारा क्वेश्चन बनता है कि सेल आता कहाँ से है। ये सामने एक लिखा हुआ है कि नए सेल आते कहाँ से हैं। नए सेल पहले से मौजूद सेल डिवीजन की तकसीम के नतीजे में बनते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेल डिवीजन क्या है, यानी सेल की तकसीम क्या है। सेल डिवीजन एक ऐसा अमल है जिसके दौरान एक सेल दो दफ्तर सेल में तकसीम होता है। दफ्तर सेल मतलब डॉटर सेल। जो सेल तकसीम होता है यानी जिसके टुकड़े होते हैं, इसे अबाई सेल यानी पेरेंट सेल कहा जाता है। सेल डिवीजन के नतीजे में पैदा होने वाली जब सेल तकसीम हो जाता है तो उसके नतीजे में बनने वाले सेल को दफ्तर सेल कहते हैं। दफ्तर सेल यानी डॉट। नेक्स्ट बनना है कि सेल डिवीजन के आगाज से पहले अबाई सेल एक इब्तदाई मरले से गुजरता है, यानी शुरू वाले मरले से गुजरता है, स्टार्टिंग वाला, जिसे इंटरफेस कहते हैं। इंटरफेस के दौरान सेल के न्यूक्लियस में मौजूद तमाम क्रोमोसोम अपनी हूबहू शक्ल तैयार करते हैं। इस तरह क्रोमोसोम की तादाद डबल हो जाती है। इस अमल को डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम कहा जाता है। क्रोमोसोम डुप्लीकेशन की यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है कि इंटरफेस के दौरान सेल के न्यूक्लियस में मौजूद तमाम क्रोमोसोम अपनी हूबहू शक्ल यानी अपनी कॉपियाँ फोटो कापी जो होते हैं तैयार कर लेते हैं। इस तरह क्रोमोसोम की तादाद डबल हो जाती है और इस अमल को डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सेल डिवीजन का जो अमल है दो मराहिल, यानी पहला न्यूक्लियर डिवीजन पहला मराहिल है और दूसरा है साइटोकाइनेसिस, ये सेकंड मरला है। अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर डिवीजन क्या है। न्यूक्लियर डिवीजन जो है वो न्यूक्लियस की तकसीम, इसमें न्यूक्लियस की तकसीम होती है जिसके बाद साइटोकाइनेसिस का अमल है वो वकू पज़ीर होता है। साइटोकाइनेसिस के दौरान साइटोप्लाज्म की तकसीम हो जाती है। अगेन कह रही हूँ कि सेल डिवीजन जो है वो दो मराहिल से गुजरता है, पहला होता है न्यूक्लियर डिवीजन, दूसरा है साइटोकाइनेसिस। जो न्यूक्लियर डिवीजन है वो न्यूक्लियस में तकसीम हो जाता है जिसके बाद साइटोकाइनेसिस का अमल वकू पज़ीर होता है। साइटोकाइनेसिस के दौरान साइटोप्लाज्म की तकसीम हो जाती है। यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं सेल के मुतालिक। फर्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल का वो हिस्सा है जो पूरे सेल के तमाम अफाल को कंट्रोल करता है, यानी कि न्यूक्लियस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेल। क्रोमोसोम, नेक्स्ट है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम सेल के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, यानी सेल के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। ये प्रोटीन और डीएनए के बने होते हैं। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट पढ़ते हैं डीएनए क्या है। थर्ड पॉइंट, डीएनए ऐसा मटेरियल है जिसमें नए सेल या जानदार के बनने के लिए हदायत का मुकम्मल सेट मौजूद होता है, यानी कि डीएनए को विरासती मादा कहा जाता है। ये लास्ट पॉइंट है, ये एमसीक्यूज़ के तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही स्पीशीज़ यानी न्यू के जानदार के सेल में क्रोमोसोम की तादाद बराबर होती है, ताहम जब कोई जानदार गैमेट्स यानी जानवरों में स्पर्म या एग या पौधों में स्पॉट्स यानी कि जानवरों के गैमेट्स में स्पर्म और एग्स बनते हैं जबकि पौधों में स्पॉट्स पैदा करता है यानी स्पॉट्स होते हैं, तो इनके गैमेट्स या स्पॉट्स में क्रोमोसोम की तादाद आधी हो जाती है। इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के सेल डिवीजन के दो तरीके हैं जो माइटोसिस और मियोसिस कहलाते हैं। इस टॉपिक का मेन एम क्वेश्चन है कि नए सेल कहाँ से आते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। सेकंड है सेल डिवीजन से क्या मुराद है। थर्ड है अबाई सेल क्या है। फोर्थ है दफ्तर सेल से क्या मुराद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरफेस से क्या मुराद है। डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम क्या है। सेल डिवीजन का अमल किन मराहिल से गुजरता है। इसमें मेन क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस सेल का कौन सा हिस्सा है। क्रोमोसोम से क्या मुराद है। डीएनए से क्या मुराद है। और जो लास्ट वाला पॉइंट है ये एमसीक्यूज़ के तौर पर बहुत इम्पोर्टेंट है। ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। बाकी कल मिलेंगे अपने नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।